पर शिमला में मैराथन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं ने बेटी पढ़ाओ बेटा समझाओ का संदेश दिया है और कहा है कि आज की युवा पीढ़ी को नशे की दलदल में फंसने से बचाने के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा शिमला के रिज मैदान पर मैराथन का आयोजन करवाया गया, जिसमें शिमला शहर के लगभग 700 पुरुष और महिलाएं प्रतिभागियों ने रेस लगाई। इसके अलावा महिलाओं के लिए मटका फोड़ रेस, रसगुल्ला रेस, जलेबी रेस, रस्साकसी और पुरुषों के लिए सुई धागा रेस जैसी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाली महिलाओं ने बताया कि कुछ वर्ष पहले तक बेटी के जन्म को परिवार के लिए अभिशाप समझा जाता था, लेकिन अब लोगों की धारणा बदल चुकी है और अब बेटियों को भी बेटे के समान ही समझा जाता है। हाल ही में भारत की वायुसेना द्वारा की गई POK में एयर स्ट्राइक में भी महिलाओं ने अपनी भूमिका दर्ज की है। बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिला, लड़के के बजाय लड़कियां बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी और लड़कियां हर फील्ड में आगे जा रही है। आज चांद पे लड़कियां गई है और अभी वॉर में पाकिस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें महिला पायलट थी, वो काफी जागरूक है पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और हर फील्ड में लड़कियां जो है आगे कर रही है। और रक्षा मंत्री जो है हमारी वो भी महिला है और विदेश मंत्री है वो भी महिला है। सर्वप्रथम तो मैं पूरे प्रदेश की महिलाओं को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। महिलाएं जो समाज की शक्ति और प्रेरणा दोनों ही है, महिलाओं के बिना समाज अधूरा है। और ये जो आधी आबादी महिलाओं की है, एक समय था कि इन्हें बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट किया जाता था, यहाँ तक कि वोटिंग राइट तक नहीं थे। तो एक सामान्य महिलाओं ने इसके लिए लड़ाई लड़ी और आज वो यहाँ तक पहुँच गई हैं कि जब 12 फाइटर हमारे एयर अटैक करने जाते हैं तो उसमें भी एक महिला फाइटर वहां गई और वो कामयाब होके वापस आई। तो इसके लिए मैं महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। मुझे लगता है कि हर महिला को आगे हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं महिला हूँ। महिला ही एक ऐसी है जो पूरे घर को, पूरे देश को, पूरे परिवार को संभाल सके, वही परिवार का एक स्ट्रॉन्ग पिलर होती है जो पूरे घर को अच्छे से संभाल, वो बाहर के फील्ड में भी काम कर सकती है, घर में भी काम कर सकती है और देश के लिए भी काम कर सकती है। और हमारी बेटियों ने, बहनों ने, माताओं ने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं। हर क्षेत्र में आजकल बेटियां हमारी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं और फाइटर जेट उड़ाने में समर्थ हैं, भारत की सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ हैं। तो आज हमारी बहन बेटियां हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और हम सब का कर्तव्य है कि मनुष्य समाज में पुरुष और महिला दोनों समानांतर रूप से विकसित होंगे तभी एक संतुलित समाज की रचना होगी। और इस दिशा में भारतवर्ष तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये सब के लिए प्रसन्नता की बात है। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की बहन बेटियां माताएं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। हम कृषि क्षेत्र में देखते हैं तो उनका बराबर का योगदान है। और मैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेज में जाता हूँ, आपने भी अनुभव किया होगा कि जो हॉस्टल लड़कों के थे आजकल वो बेटियों के बना दिए गए। बेटियों का अनुपात शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों से भी ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ा है और हमारी बहन बेटियां हिमाचल प्रदेश के विकास में हर क्षेत्र में अग्रणी रहती हैं, ये हम सब के लिए प्रसन्नता। शिमला से योगा शर्मा की रिपोर्ट।